मेरे चैनल कुक विद सुहाना में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पालक पनीर। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन करती हूँ। पानी हमने रखे हैं। पानी गर्म होने के बाद इसमें हम पालक डालेंगे। पानी गर्म हो चुका है, इसमें अब हम नमक डालेंगे एक चम्मच। नमक डालने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पालक डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। वो पालक जो है हमें ज्यादा टाइम तक पानी में, गर्म पानी में नहीं रखना है। ज्यादा से ज्यादा हमें एक मिनट तक रखेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम रखने से ये होता है, जो हमें पालक का कलर चाहिए ग्रीन, वो ज्यादा पक जाने से नहीं आएगा। इसीलिए ज्यादा टाइम हमें नहीं रखने का, एक मिनट बाद इसे हमें छान लेना है। अब पालक हमारा हो गया है, एक मिनट तक ही हमने रखा है। अब इसका हम पानी निकाल लेंगे, इसका छान लेते हैं हम इसे। उसके बाद ठंडा होने के बाद इसे हमें पीसना है। अब इसे मैं छन्नी में डाल देती हूँ, इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा। उसके बाद ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे। पनीर को हम थोड़ा सा हल्का सा, तो इसे हमें ज्यादा तेल नहीं डालने का, कम तेल में ही, बस एक चम्मच तेल में हम हल्का सा सिर्फ भूनेंगे। अब एक एक करके इसे हम डाल देते हैं। मैं इसको इसीलिए थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये पालक पनीर में डालने के बाद ये पनीर जो है तो टूट जाता है। इसके लिए इसे हम हल्का सा रोस्टेड जैसा कर लेंगे। बहुत जने कच्चा ही डालते हैं पनीर, बगैर रोस्ट का आप चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। बस पनीर हो चुका है। पनीर को हमें इसी तरह से करना है, ज्यादा इसे हम नहीं भूनेंगे, क्योंकि फिर कड़क हो जाएगा ज्यादा भूनने से। अगर कड़क हो जाता है तो इसे हम क्या करेंगे, गरम पानी में हमें इसे डाल के रखना है, तो उससे पनीर जो है सॉफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए बस ऐसा ही हमें चाहिए पनीर। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, उसके बाद अब हम पालक पीस लेंगे। अब मैं पालक को पीस लूंगी, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है। तो चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। ये हो गया पालक पीस के, अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। चलिए अब मैं गैस ऑन करती हूँ, जिसमें हमने पनीर को फ्राई किया था उसी में अब हम इसका मसाला पालक का हम तैयार करेंगे। तो मैं मक्खन डाल रही हूँ, अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन और अदरक। इसे हम हल्का सा भून लेंगे, के बाद हम प्याज डालेंगे इसमें। इसमें मिर्ची भी डाल देते हैं, हरी मिर्ची कटे हुए, इसे हमें सब बारीक ही काटना है। ये बटर का जो खुशबू आ रहा है, क्या बताओ। अब बारीक कटे हुए प्याज हमने एक बड़े साइज के लिए है, अगर छोटे है तो दो लीजिए। अब इसमें हम प्याज पकने के लिए थोड़ा नमक डालेंगे। अब प्याज ब्राउन कलर का हो चुका है, अब इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे। हमने दो टमाटर कद्दूकस करके लिए हैं, इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच, मिर्ची पाउडर एक छोटा चम्मच, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर। ये गरम मसाला है,
ये मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है, तो इसमें इसको मैं हम थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डालने से बहुत अच्छी तरह से खुशबू आ जाते हैं। अगर आपको रेडीमेड मसाला डालना है गरम, तो एक चम्मच डालिएगा, जिसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाला पकने के लिए। इसे हम स्लो में अच्छे से मसाला पकाएंगे 5 मिनट तक। अब मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, साइड से तेल छूट रहे, मतलब मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम पिसा हुआ पालक डालेंगे। अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। बाकी जो मिक्सर के जान में जो लगा हुआ है, उस पालक को हम पानी से निकालेंगे। तो वही पानी हमें डाल देना है इसमें, इसमें ज्यादा पानी तो चाहिए नहीं। ऑलरेडी पालक हमारा बॉयल था, पका हुआ ही है, तो इसे हमें ज्यादा टाइम तक पकाना नहीं है। अब इसमें हमें नमक डालना है। नमक हमने प्याज में भी डाले थे, पालक बॉईल करने के टाइम भी डाले थे, तो अभी हमें थोड़ा ही नमक डालना है। अब इसमें हम पनीर डाल लेंगे। पनीर डाल के इसे हमें मिक्स कर लेना है। ये कच्चा पनीर होता है तो टूट जाता है, क्योंकि उसको हल्के हाथों से मिक्स करना रहता है। इसको भी हमने ज्यादा तो फ्राई किया नहीं है, तो इसको भी हम हल्के हाथों से घुमाएंगे। अब इसमें हमें 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल लेना है। अब इसे हमें ज्यादा टाइम तक नहीं रखना है। मैं इसमें गैस बंद कर देती हूँ, गैस हमने ऑफ कर दिया है। इसे अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मेरी ये रेसिपी आप सभी को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। अब इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। निकाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम 1-2 पनीर का टुकड़ा हम रख देंगे, दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डालेंगे। बन गई एक अच्छा सा हमारा पालक पनीर का डिश तैयार है। तो ये तैयार है एकदम पालक पनीर, खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए।